आदरणीय एनपी सर, दानिश साहब, आशीष, अपनी बात की शुरुआत मैं ये से करना चाहता हूँ कि मैं सोनी का और इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे और मेरी कंपनी राइटर गैलेक्सी को ये मौका दिया है। पृथ्वी वल्लभ एक शो नहीं है, ये एक ऐसा सपना है जिसे संयुक्त रूप से राइटर गैलेक्सी ने और सोनी ने देखा है। हम इसे इसी तरह लेते हैं क्योंकि बहुत बार हम जब काम शुरू करते हैं एक कहानी कहानी नहीं होती, उसके आगे पीछे एक टीम, एक दुनिया चलती है। और मैं पिछले 7-8 साल किसी दूसरे चैनल से बाहर आया था, 1 साल पहले एक ऐसी कंपनी, मैं अपने आप को स्टार्टअप मानता हूँ उस अर्थ में, तो इतना बड़ा मौका, इतना विश्वास, उसके लिए मतलब जो भी शब्द हैं वो कम है मेरे पास कहने के लिए। और मैं ये आज जो माहौल है जहाँ टेलीविजन में हम देख रहे हैं, इस दुनिया के दौर में जहाँ ग्लोबल और रीजनल मार्केट की दुनिया खत्म हो रही है, वैसे में मैं मानता हूँ कि सोनी इकलौता चैनल है जिसके रिस्क एपेटाइट को सलाम करना पड़ेगा, जो उस पुल को बांधने और पूरा करने के लिए हर लम्हा प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ मुझसे पहले 1 महीने पहले हमने लॉन्च किया, सोनी ने लॉन्च किया है पोरस, इतना बड़ा शो, और उस हम ये प्रयोग की दुनिया, मैं मानता हूं कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। और रिस्क लेने में मुझे लगता है कि आज जिस तरह से दानिश साहब और प्रोग्रामिंग, जिस तरह से सोनी आगे आ रहा है, निश्चित रूप से ये दुनिया कहानियों की बदलेगी। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ सोनी को, एनपी सर को, दानिश साहब को। पृथ्वी वल्लभ के बाबत जब मैं बात करता हूँ तो 10वीं शताब्दी के आसपास इतिहास में लगभग गुमनाम हो गया एक चरित्र है पृथ्वी वल्लभ। गुमनाम इसलिए कि घास की मैदान में मिला एक लड़का था जो अनाथ था, जो एडॉप्टेड था, जिसके रक्त में राजकुल नहीं बह रहा था। तो बहुत सारे कवियों के चर्चा में इस बंदे के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन जो जिन कवियों ने इसके बारे में लिखा उसने बहुत ऊंचा लिखा है। इतिहास में इस बंदे को यह कहा कि ये पहला राजा था, इसलिए इसका नाम भी पड़ा पृथ्वी वल्लभ, द लॉर्ड ऑफ अर्थ, धरती से जो प्यार कर सके, उस पर शासन करे, उस पर कब्जा करे, वो नहीं है पृथ्वी वल्लभ। पृथ्वी वल्लभ एक ही हो सकता है जो धरती को प्यार करे। तो इस जो किताबें, प्राचीन किताबें हैं, 1000 साल पुरानी किताबों में इसकी चर्चा मिलती है, इसने मंदिरें, ये खुद कवि था और युद्ध के मैदान में कवियों को लेके चलता था। अब तो हम इसलिए भी हम पृथ्वी वल्लभ को जब मैंने चुना, और उसका अनाथ होना एक रहस्य भी है, किसी को नहीं पता कहां से आया, कौन आया, तो कहानी बनाने में बड़ी एक मुझे लगा कि हमें एक बड़ी कहानी इतिहास के अंदर है जो थोड़ी गुमनाम है। जैसा कि एनपी सर ने कहा भी कि सोहराब मोदी ने 43 के आसपास पहली बार उसके बाद आप देखें आज 40-50 साल में भी, 30-40 साल में भी किसी ने, हमने कभी चर्चा नहीं की इस किरदार के बारे में कहीं भी। दूसरी तरफ जो इसकी दूसरी बड़ी किरदार है मृणाल, उसकी भी चर्चा इतिहास में बहुत गुमनाम है, क्योंकि जहां भी प्रेम कहानी बनती है उसको हमेशा दफन किया जाता है। उसके भाई तैलब का इतिहास में चर्चा मिलता है, मृणाल की चर्चा कहीं नहीं मिलती। तो ये एक फिक्शन भी थी, लेकिन लोक कथाओं में कर्नाटक के मृणाल बहुत पॉपुलर है। जैसे अनारकली बहुत प्रॉब्लम, हमको नहीं पता अनारकली थी नहीं थी, मृणाल है नहीं थी या नहीं थी, लेकिन इन दोनों के मिलने से एक बड़ी प्रेम कथा का जन्म होता है, जिसे हमने थोड़ी सी अपनी कल्पनाओं के साथ, एक नए तेवर के साथ, इसीलिए इसके टाइटल के साथ लगा है इतिहास भी रहस्य भी। जो टीम हमने बनाई है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो VFX हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे हम इसके अंदर की तकनीकी जितने भी कार्यकलाप हो, उन सबको एक बड़ा लेवल दिया जाए। और उस पर यहाँ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक आप शो देखे नहीं, जब तक उसे आप समझे नहीं कि क्या सचमुच हमने वो प्रयोग जो किए हैं वो ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि पहला टारगेट दानिश साहब ने मुझे ये दिया था कि ये ओरिजिनल है। बहुत बार मैं भटका टीआरपी के चक्कर में, आज एक सच आपको बताता हूँ, मैं इतने हम जब कहानी बनाते हैं हम लोग बहुत प्रेशर में होते हैं,
ये नंबर ऐसे एक ऐसी कहानी लिख देंगे, चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं एक बीच का रास्ते वाली कहानी लेके दानिश के पास आया था कि सर ऐसे करते हैं ट्रैक। बोला पाठक साहब आप गलत कर रहे हैं, आपको जो कहना है, जो कहानी आपने कमिट किया था, जो आपका कमिटमेंट था उसके साथ रहिए। और वो उस एक रास्ता दिखाने की वजह से पूरी हमारे सीजन की कहानी पे बहुत फर्क पड़ा। तो ये टीम वर्क है, मैं इसको कंट्रीब्यूशन मानता हूं, जहां हम दो लोग मिलके एक बड़ी बात कह रहे हैं। तो और दूसरा कि इतिहास या रहस्य कुछ अच्छी कथा का अपना आनंद होता है, और वो आनंद आप उठाइए। मैं आपको एक एवी प्रस्तुत करता हूं, अभी हम एक एवी आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर 20 तारीख को मिलते हैं 9:30 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।